खबर अब आपको हरियाणा के नूह से देते हैं, जहां पर जबरदस्त हिंसा, उपद्रव, आगजनी देखने को मिले और उसके बाद से अब स्थिति यह है कि हरियाणा के आसपास के जिलों में भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। नूह में कर्फ्यू के आदेश हैं, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लगा दी गई। नूह में कर्फ्यू है, धारा 144 कुछ और जिलों में लगा दी गई है। नूह में 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। नूह में पुलिस प्रशासन की पहल पर दोनों समुदायों के साथ बातचीत शुरू हो गई है। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से दोनों ही समुदायों के साथ बातचीत होगी। भिवानी के SP नरेंद्र बिजारणिया, वो जिले के, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल ब्रज मंडल यात्रा के दौरान ये हिंसा शुरू हुई, ये उपद्रव शुरू हुआ, दो समुदाय आमने सामने आ गए। खबरें ये भी है कि मोनू मानेसर, जो कि नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी है, उस आरोपी ने एक वीडियो शेयर किया और ये कहा कि वो इस यात्रा का हिस्सा बनेगा। खबरें ये भी है कि इसी के बाद से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और हालांकि वो इस रैली का, इस यात्रा का हिस्सा नहीं बना, लेकिन उसने वीडियो जारी किया। सवाल ये है कि एक आरोपी जो भागा भागा फिर रहा है, जो आरोपी है वो वीडियो बनाता है, लेकिन वो पुलिस के चंगुल में नहीं आ पाता है। आखिर पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और फिर उस वीडियो बनाने के बाद बताया जा रहा कि ये बवाल ज्यादा हुआ क्योंकि लोग गुस्से में आ गए, लोगों ने ज्यादा बवाल काटा, पथराव किया। पत्थर अंदर, पत्थर ही ना, पत्थर तो ही बड़े।